हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। एंड टुडेज टॉपिक इज इंग्लिश क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ क्लास 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो एक, सॉल्यूशन अनेक, और एसए और टर्म टू के लिए, एसए टू और टर्म टू के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स? आंसर इज द बर्ड्स लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इज द वॉट मेड केशव पैल एंड ग्लूमी? केशव को उदास और सूखा हुआ चेहरा क्यों हो गया था? केशव वेंट पैल एंड ग्लूमी टू सी द एग्स ब्रोकन ऑन द फ्लोर। जमीन पे अंडे टूटे पड़े थे जिसके कारण उनको उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। और अब जो है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर? पोएट की फीलिंग उनके माँ के लिए क्या था? लव, फैथ, केयर एंड ग्रेस आर द फीलिंग्स फॉर हिज मदर। अपनी माँ के लिए उनका फीलिंग क्या था एपीजे अब्दुल कलाम का? लव, फैथ, केयर, ग्रेस। और यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम माय मदर? माय मदर पोएम के पोएट कौन है, कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम वाज द पोएट ऑफ दिस पोएम। एपीजे अब्दुल कलाम थे इस पोएम के पोएट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल? यह काली और रेड स्नेक से लिया गया चैप्टर का है। काली हैड नो फ्रेंड्स, वो स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता था, वो नफरत क्यों करता था? इस कारण से क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे, दैट्स वाई ही हैड्स गोइंग टू स्कूल। एंड सिक्स क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैड काली ब्राउट फॉर लंच? काली लंच के लिए क्या लाया था? काली ने लंच के लिए क्या लाया था? काली हैड ब्रॉट फ्राइड टर्माइट्स फॉर लंच। उसने लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए क्या लाया था? भुने हुए दीमक लाया था, जिसको देख के बच्चे हंस रहे थे और इस कारण से वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, उसको बहुत बुरा लगता था कोई उसे उस पर हंसे। एंड द सेवेंथ क्वेश्चन इज हु वांडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड एंड वेयर? बादल की तरह कौन भटक रहा था और कहाँ भटक रहा था? द पोएट वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कवि भटक रहा था ऊपर पहाड़ियों में, हिलों के ऊपर। वेयर वर द डेफोडिल्स एंड व्हाट वेर दे डूइंग? डेफोडिल्स यानी डेफोडिल्स कहाँ थे और क्या कर रहे थे वे? तो वे थे बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज यानी अंडर द ट्रीज, दे वर फ्लैटरिंग एंड डांसिंग। वे झूम रहे थे ना। एंड नाइन नंबर क्वेश्चन इज दैट इज द वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। या पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है उसके बीच में है सियाचिन। एंड विच टू लिक्विड डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन? दो लिक्विड हैं जो नहीं जमते हैं सियाचिन में, वो है रम एंड केरोसिन आर द टू लिक्विड दैट नॉट फ्रीज्ड। 11th नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटीक्विटी? एंटीक्विटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ग्रेट एंशियंट डेज इन द पोएम भारत और लैंड। व्हाट वर द थ्री क्वेश्चंस दैट किंग जॉन आस्क्ड द बॉय अबाउट? महंत से राजा ने जो तीन प्रश्न पूछे थे वो क्या थे? हाउ लॉन्ग आई सेल लिव एक था, दूसरा था हाउ सून आई सेल राइड राउंड द वर्ल्ड, एंड थर्ड क्वेश्चन भी था, तीसरा भी प्रश्न था उसी तरह। एंड वेयर एंड व्हेन डिड द राइडर स्टॉप? आंसर इज द राइडर स्टॉप बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक इन द डार्केस्ट इवनिंग। एंड 14th नंबर क्वेश्चन इज व्हाट मिरेकल डिड द सर्वेंट सी? सर्वेंट ने क्या आश्चर्यजनक चीज देखा? तो द सर्वेंट हैड सीन अ मिरेकल, अ मैन वॉज फ्लाइंग
इन द स्काई, एक आदमी आसमान में उड़ रहा है, वो देखा उसने आश्चर्यजनक चीज। और यहाँ 15 नंबर का प्रश्न जो है, 15 नंबर का क्वेश्चन, 15th question, हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। रॉबर्ट एलवी स्टीवेंसन, अ स्कॉटिश पोएट, वाज द पोएट ऑफ दिस पोएम। एंड 16th question इज, हु सिट्स अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग। पेरेंट्स सिट अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग। एंड 17th number question is, why has Sania Mirza achieved success in tennis? Sania Mirza ne kyon kaise kari safalta hasil tennis mein? Sania achieved success by consistent passion, hard work, commitment and dedication. And 18th question is, name any 5 Indian women players. साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, अंजलि भागवत एंड सो मैनी इम्पोर्टेंट इंडियन वुमेन प्लेयर। एंड 19th question इज, व्हाट वाज स्नेहाज रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन। नए धर्म के लिए जो रूल बनाए थे स्नेहा ने, वो क्या थे? वो 5 थे। द सन इज आवर फादर बिकॉज हर ही गिव्स अस एनर्जी। द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन अस। एंड 3rd इज, ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। ये थी इनके 5 रूल और जो स्नेहा ने खुद का बनाया था, जो इसको पोएम दिया गया था उसको पोएम के तहत। अब जो इसको टॉपिक दिया गया था इसके तहत। एंड 20th number question is, what made Rupi's father angry? Rupi's father was angry to see his credit card mark. उनके मार्क को देखकर उसके पिता गुस्सा में थे। And final question, last question is, Malala Yousafzai has raised a voice for which issue? किस इश्यू पर, किस मुद्दे पर उन्होंने, मलाला यूसुफजई ने आवाज़ उठाई थी? She raised a voice on issue of girls education in Pakistan. पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति के ऊपर, महिला की शिक्षा के ऊपर मलाला यूसुफजई ने आवाज़ उठाए थे। ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले SA2 के एग्ज़ाम में। इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाने का प्रयास करें ताकि अन्य बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर